इसका जो इंजन है वो 125 एचपी का आता है एट 2200 आरपीएम पे, और इसका जो बकेट कैपेसिटी है वो अराउंड 1.7 क्यूबिक मीटर का है। ये आपको काफ़ी इजीली दिखता है हर जगह, मोस्टली अभी यूज़ हो रहा है। ड्यूगोंग का प्रोडक्ट है ये, बहुत ही दमदार। दो हाइड्रोलिक सिलेंडर इधर एक है और उस साइड पे एक है जो बकेट के आर्म को कंट्रोल करता है, और ये सिलेंडर बकेट को कंट्रोल करता है लोडिंग अनलोडिंग में। ये दो सिलेंडर्स स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए हैं। ये ऐसा दिखता है जब आप अंदर बैठते हो केबिन से। ये हो गया इसका स्टीयरिंग, ये हो गया इसका गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर ऊपर है, पीछे रिवर्स है, दो गियर के साथ आता है इसके साथ एक रिवर्स गियर। ये लीवर है इसका, जब इसको आगे करते हो आप तो बकेट डाउन होता है, जब ऊपर करते हो तो बकेट अप होता है, लेफ्ट करते हो तो बकेट लोड होता है, राइट करते हो तो बकेट अनलोड होता है। सेम जैसे नॉर्मल और सारे लोडर्स में रहता है, इसका भी सेम है। इधर हो गया इसका ब्रेक, ये हो गया एक्सेलरेटर,